हेलो एवरी वन वेलकम टू इकनॉमिक्स बाईव आरपिताज सो दिस टाइम आई एल बी टॉकिंग टू अबाउट द बुक लिस्ट फॉर यू जी सी नेट में क्या रिक्वायरमेंट रहती है हमारी बुक्स की तो ये जो बुक्स मैं बता रही हूँ दैट इज़ बेसिकली आपको पूरी बुक्स कवर टू कवर नहीं पढ़नी है जो भी आप इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि पास्ट ईयर्स में आए हुए हैं उसे करना और जो सिलेबस में क्वेश्चन सिलेबस को देखो उसके हिसाब से इसमें आपको टॉपिक्स मार्क करके वो चीज़ें करनी है तो माइक्रो इकनॉमिक्स में बुक्स जो आप यूजीसी नेट के लिए रेफर कर सकते हो इज एच ए इट्स क्वाइट ए नाइस बुक इसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है तो जो जो सिलेबस और पास्ट ईयर्स में क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आप मार्क करिए और फिर इन बुक से आप पढ़ सकते हैं और माइक्रो इकनॉमिक्स के लिए आप रेफर uh, कर सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए फ्रॉयन uh, है उसे आप कर सकते हैं सो so, फ्रॉयन को आप रेफ़र कर सकते हैं क्लैरिटी के लिए और अगर आप कवरेज की बात करें तो कवरेज के लिए आप एच हुजा को देख लीजिए कवरेज मतलब पूरी टॉपिक्स हर एक चीज़ कवर करनी है तो उसके लिए एच एल एहूजा माइक्रो वाली दैट यू कैन रेफर और मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि एम हमें पढ़ाई जाती है उसके लिए आप रेफर कर सकते हैं अगर आपने एलेवेंथ ट्वेल्थ में मैथ्स नहीं पढ़ी है तो गो एंड रीड एलेवेंथ एंड ट्वेल्थ की एन दैट इज़ द बेसिस ऑफ ईच एंड एवरी जो आप कॉन्सेप्ट अगर पढ़ते हैं और वैसे अगर आपने पढ़ रखी है सो चियांग यू कैन रेफर इट्स इट्स अ नाइस बुक दैट यू कैन गो फॉर और स्टार्ट्स और इको ट्रिक्स की बात करें स्टैटिस्टिक्स में आप एसपी गुप्ता से पढ़ सकते हैं एसपी गुप्ता काफ़ी मोटी बुक है तो आपको पूरा पूरा नहीं पढ़ना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पूछे गए हैं वो आप पढ़ लीजिए इकोनोमेट्रिक्स के लिए अच्छी बुक तो आपको पता ही है अगर आपने ग्रेजुएशन में ईको ट्रिक्स पढ़ी है तो दामोदर गुजराती इज़ द बेस्ट बुक दैट यू कैन गो फॉर इकॉनमेट्रिक्स इंटरनेशनल इकनॉमिक्स के अंदर इंटरनेशनल इकनॉमिक्स के लिए यू कैन रेफर हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है सेल्वटोर तो इसके लिए आप सैल्वटोर यूज़ कर सकते हैं इसको ऑनलाइन भी पी डी एफ अवेलेबल है यू कैन गो फॉर इट वो आप पूरा डाउनलोड कर लीजिए नहीं तो बुक वैसे होगी फिजिकली तो उससे भी काफ़ी सही रहता है कि यू कैन माक ऑल दोज थिंग्स एंड रीड प्रॉपरली पब्लिक फिनेंस के लिए आई वुड से एच एल भाटिया बहुत अच्छी बुक है आप उसे देख लीजिए और अगर मनी और फिनेंस की बात करें तो मनी फिनेंस के लिए से तो बस आप जैसे बाइबल की तरह रीड कर लीजिए एस बी गुप्ता है एस बी गुप्ता को बाइबल की तरह बस ऐसे ही रीड कर लीजिए उसी में आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी एंड हमारी इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के लिए सबसे अच्छी बुक है हमारी कोल स्टार्ट की वो आप कर लीजिए बहुत ही किताब है उसे अच्छे से कर लीजिए और इसी में हमारी डेमोग्राफी भी आती है इन्वायरमेंटल इकनॉमिक्स के लिए डेमोग्राफी के लिए आई वुड से एम एल झिंगल कर लीजिए एम एल झिंगल से आपकी पूरी हो जाएगी डेमोग्राफी और ग्रोथ इन डेवलपमेंट के लिए यू कैन रेफर टू हमारी जो आती है ए पी थेवाल उसे आप कर दीजिए वो भी अच्छी किताब है एपी थेलवाल से कर लीजिए और अगर यूजीसी नेट के लिए स्पेसिफिकली करना है तो आर के लेखी काफ़ी अच्छी किताब है वहाँ से पढ़ सकते हैं आप आर के लेखी इट्स ए नाइस बुक एंड इंडियन इकोनमी के लिए पूरी नज़र अपनी एक बार जो हमारे करंट पे जो सिनारी चल रहा है उस पर तो आपको पूरा ध्यान रखना ही है अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें वैसे मिश्रा एंड पूरी बहुत अच्छी किताब है मिश्रा एंड पूरी या उमा कपिला भी देख सकते हैं उमा कपिला के अंदर है अच्छी चीज़ें बट यह है कि इसमें थोड़ी ये वाली किताब ऐसी है जिसमें चीज़ें पॉइंट्स में लिखी हैं तो इसलिए क्लैरिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है मिश्रा एंड पुरी से उमा कपिला बिफोर इंडिपेंडेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस सबकी सब, सब चीज़ों की बात करती है बट आई थिंक मिश्रा इन पुरी इज़ अ बेटर बुक देन उमा कपिला तो आप मिश्रा एन पुरी पढ़ लीजिए और आई वुड से करंट बहुत इम्पोर्टेंट है जो भी आपका इकनॉमिक सर्वे में आता है बजट में आता है वो अच्छे से कर लीजिए बजट और इकनॉमिक सर्वे को अच्छे से कर लीजिए तो आई थिंक इन किताबों से हो जाएगा पर ध्यान रखिए इन किताबों को पूरा पूरा कवर टू कवर नहीं पढ़ना है अपना सिलेबस रखिए साथ में और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रखिए क्योंकि स्ट्रैटेजी यही रहती है कि हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें कवर करनी है सारी पूरी बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें आप का टाइम वेस्ट होगा तो सिलेबस साथ में रखिए अपना सिलेबस की एक कॉपी रख लीजिए पास में अपने और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को कर लीजिए पास्ट फाइव ईयर्स के बहुत होते हैं साथ में पेपर वन की तैयारी कीजिए ऑल द बेस्ट आई होप आपको ये अगर आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इन बुक्स से थैंक्स फॉर वॉचिंग बो बाय